साथ नीट पेपर लीक मामले में सियासत लगातार जारी है। हरिद्वार में कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है। केंद्र के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की गई। अध्यक्ष अमन गगन के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया है। तो देश में हुए नीट की परीक्षा का पेपर लीक होने को लेकर पूरे देश में छात्र और कांग्रेस सड़कों पर उतरे हैं। देवभूमि में भी प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर हरिद्वार में प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस ने हरिद्वार में देवपुरा चौक पर महानगर अध्यक्ष अमन गर्ग के नेतृत्व में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की गई है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देने की मांग को लगातार दोहराया जा रहा है। जो पेपर लीक होने वाली बात हुई है ये चाहती हूँ कि जो पेपर लीक होने वाली बात हुई है ये पहले प्रदेश स्तर पर थी, अब ये ऑल इंडिया लेवल पर इतना बड़ा पेपर है नीट का, उस पर ये जा रहा है। यानी कि अगर प्रदेश से ही भ्रष्टाचार रोकना शुरू कर दिया जाता, यहीं से पेपर लीक होने की बात जब कही जा रही थी उस पर ये थोड़ा भी देश की प्रधानमंत्री ध्यान देते, ये सरकार ध्यान देती, तो ये इतने ऊंचे लेवल पर भ्रष्टाचार नहीं पहुंचता। पिछले दिनों नीट और नेट के पेपर में भर्ती घोटाले में क्या नाम है, जिस तरह से पेपर लीक का मामला सामने आया है, पूरे देश के छात्र 23 से 24 लाख छात्र इससे प्रभावित हुए हैं और ये सरकार निरंतर पेपर लीक सरकार बनकर रह गई है। ये प्रदर्शन किया कि जब से मोदी सरकार 2014 से बनी हुई है तब से जो भी एग्जाम हो रहे हैं सारे एग्जाम लीक हो रहा है। अभी जिस तरह से नीट की परीक्षा लीक हुई है, जिस तरह से लाखों लाख बच्चे सड़कों पर तांडव कर रहे हैं और ये प्रदेश हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं ये मौन हैं।